गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। जैसा कि पता है आपको, सेकेंड ईयर का क्लास जो है इलेक्ट्रीशियन का मैं ले रही हूँ और उसमें टॉपिक चल रहा है आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर का जो है पार्ट 6 तक मैंने जो है अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे वीडियो। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर विजिट करें मल्टीक्राफ्ट ITI यूट्यूब पे जाकर। और आज जो है पार्ट 7 मैं बताने वाली हूँ आपका लॉसेस के बारे में। जितने भी डीसी मशीन्स होते हैं उसमें लॉसेस क्या होता है। डीसी मशीन मतलब आपका या तो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सब में मैंने बताया था आपको कि कॉमन है, पार्ट्स कॉमन है, ठीक है, स्ट्रक्चर कॉमन है, सिर्फ सप्लाई का अंतर होता है। मैंने बताया ना आपको कि आपका मोटर और जनरेटर में क्या अंतर है, सिर्फ सप्लाई का अंतर है। आप जनरेटर में क्या करते हो, मैकेनिकल पहले घुमाते हो फिर इलेक्ट्रिकल आपको मिलता है, लेकिन मोटर में पहले आप इलेक्ट्रिकल देते हो, सप्लाई देते हो, फिर मोटर मेरा घूमता है ना। बस यही अंतर है सिर्फ। कंस्ट्रक्शन वाइज भी सारा सेम, पार्ट्स वाइज भी सारा सेम, लॉसेस वगैरह सारा सेम। तो पर्टिकुलरली आज हमको जो है लॉसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लॉसेस क्या चीज़ का लॉसेस है, लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। मैं कलर चेंज करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लॉसेस ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। तो जब लॉसेस ऑफ डीसी मशीन आप पढ़ोगे ना तो इसमें जो है बहुत सारे लॉस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लॉसेस है क्या, ठीक है। तो आपको अभी जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी कि डीसी मशीन में हानियां मतलब लॉसेस, ठीक है। तो डीसी मोटर व डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ठीक है, हानियां के बारे में। जब एक डीसी मशीन कार्य करती है तो हमेशा से 100% आउटपुट नहीं मिलती है, ठीक है, 100% आउटपुट नहीं मिलती है, ठीक है। क्या कारण है वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि कुछ एनर्जी मशीन में हानि के कारण क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जो हीट एनर्जी में बदल जाती है। इस तरह से एक मशीन का इनपुट मशीन के आउटपुट से हमेशा अधिक होता है, ठीक है। आउटपुट जो मिलेगा उससे ज़्यादा मेरा इनपुट होगा। तो इनपुट और आउटपुट के इसी अंतर को या इसी बीच के जो आप बोल सकते हो डिफरेंस को क्या कहते हैं, हानियाँ कहते हैं, लॉस कहते हैं, ठीक है। जनरेटर में हानियाँ निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया, मैंने बताया था आपको पहले भी, ठीक है। तो मेनली इस लाइन को पढ़ने का या इस लाइन को दिखाने का मेरा मोटो क्या था कि देखो, कई बार आप जो है हमेशा क्या करते हो, कोई अगर सामान खरीदते हो आप, ठीक है, तो जितना लागत लगता है आपका, ठीक है, अब जैसे कोई सामान खरीदे हो आप 200 रुपये में, ठीक है, तो आप क्या इनिशियल क्या सोचते हो सबसे पहले कि 200 का है सामान, तो 200 दिन भी मेरा चल गया, ठीक है, 200 बार भी मैंने यूज़ कर लिया तो ये मेरा जो है इनफ है, ठीक है, जो पैसा वसूल वाला काम है, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है सेम टू सेम जितना हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, आउटपुट मेरा उतना नहीं मिल पाता है। कई बार क्या होता है मशीन में व्यर्थ गर्मी के कारण कुछ कुछ लॉसेस हो जाती हैं, ठीक है। जैसे सपोज देखो, कभी अभी आपने देखा होगा तो जब भी आप वायर को यूज़ करोगे ना, और वो लगातार हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो जब भी आप कंडक्टर को सप्लाई के साथ लगाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि तार जो है नरम पड़ जाता है, ठीक है। नरम कैसे पड़ जाएगा, बहुत देर बाद यूज़ होने के बाद, क्योंकि उसमें गर्माहट क्या मतलब क्या हो गया, हीट उत्पन्न हो गया। हीट क्या है, एक तरह का लॉस है, एनर्जी लॉस है ना। उसके कारण क्या हो गया, उसका जो स्ट्रेंथ था, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो क्या हो गया, वो घट गया तार का, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो है यहाँ पे आपको जनरेटर में भी देखने मिल रहा है, सॉरी मोटर और जनरेटर दोनों में देखने मिल रहा है कि जितना हम इनपुट डालते हैं उतना आउटपुट हमको क्या होता है, आउटपुट से हमेशा अधिक कौन होता है, इनपुट होता है, ठीक है, लॉसेस के कारण। अच्छा, मैंने बताया था आपको जनरेटर में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, तो कॉपर लॉस होते हैं और दूसरा स्ट्रे लॉस होते हैं। स्ट्रे लॉस में ही बहुत सारा मैकेनिकल लॉस था, ठीक है, तो पार्ट बाई पार्ट करके। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ डीसी मोटर में, आप अगर जनरेटर में बताओ, जनरेटर में पढ़ो तो जनरेटर में भी सेम था, ठीक है। यहाँ थोड़ा और डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको, अगर जिसने भी जिस किसी बच्चे ने भी अगर डीसी जनरेटर का नहीं पढ़ा है, क्लास नहीं देखा है मेरा ऑनलाइन वाला, तो आप जो है उसको डीसी मोटर अगर देख लो तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने मोटर नहीं देखा है तो जनरेटर देख लो, क्लियर हो जाएगा। और अगर दोनों आप देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी, और आपको मैं बता दी हूँ कि आपको जो है करना क्या है, आपको हमेशा दोनों जनरेटर है और मोटर दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना, दोनों का वीडियो देखना, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है अब आते हैं ये जो कॉपर हानि होती है वो क्या होती है, ठीक है, और स्ट्रे लॉस जो होता है आपका उसमें कितने प्रकार के लॉस है। जैसे अभी मैं एक तो आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाऊँगी, डायग्राम के थ्रू भी एक चार्ट जैसा होता है उसके थ्रू भी बताऊँगी कितना तरह का लॉस है, कैसा लॉस है ना।
तो सबसे पहले आते हैं कॉपर हानी में। मैं कलर चेंज करती हूँ, अभी यहाँ पे बताती हूँ। कॉपर हानियाँ मशीन की वाइंडिंग में होती हैं, क्योंकि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। पहला लाइन तो यही क्लियर हो गया। अब किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए कि कॉपर हानी कहाँ हो रही है। तो कॉपर हानी कहाँ होगी, हमेशा वाइंडिंग में होगी। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का वाइंडिंग क्या होता है, कॉपर की बनी होती है पहला, ठीक है। इसलिए इसमें होने वाली हानियाँ क्या होती है, कॉपर हानियाँ कहलाती है। इन्हें इलेक्ट्रिकल हानि या फिर आपका वेरिएबल लॉस, ठीक है। अस्थिर का मतलब होता है, मतलब इसका मान चेंज हो, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, अस्थिर बोल सकते हैं या फिर वेरिएबल बोलते हैं इसको। इसको कॉपर लॉस को क्या बोला था, कॉपर लॉस का दो नाम है, ठीक है। पहला नाम है आपका, एक तो कॉपर लॉस, CU लॉस, ठीक है, ठीक। और दूसरा जो है आपको बोले, मैंने बोला वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट पूछे वेरिएबल लॉस किसको कहते हैं, ठीक है, वेरिएबल लॉस किसको कहते हैं, आपको क्लियर हुआ यहाँ से। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रे लॉस के बारे में, ठीक है। स्ट्रे लॉस क्या है, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा आपको कि स्ट्रे लॉस यानी स्ट्रे हानियाँ जो हैं स्थिर हानियाँ होती हैं। कहने का मतलब, या तो ये कोर में होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये जो है इसका मान चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका मान चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो है कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी आप देखिए यहाँ से, ठीक है। स्ट्रे हानियाँ स्थिर हानियाँ होती हैं, इनमें घूमने वाली रोटेशनल हानियाँ भी कहते हैं। स्ट्रे लॉस जो है दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जब घूमेगा तो ऑब्वियसली वहाँ लॉसेस तो होंगे ना, ठीक है, घर्षण होगा, ठीक है। आयरन वहाँ पे जो है आयरन लॉस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के हैं, आयरन लॉस और आपका एक तो फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं। घर्षण मतलब क्या, फ्रिक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन लॉस है, वो डीसी मशीन में जब आर्मेचर घूमता है तो इसका बियरिंग और ब्रशों के बीच में घर्षण उत्पन्न होती है। इस घर्षण के कारण जो लॉस होता है, शक्ति का जो लॉस होता है, उसको हम लोग फ्रिक्शन लॉस कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। घर्षण जो है हानि, वो स्थिर हानि होती है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रोटेट कर रहा है मैम, तो जो है स्थिर कैसे हुआ। तो बच्चों, रोटेट तो कोर के अंदर हो रहा है ना, तो कोर तो मेरा स्थिर है, ठीक है। उसके बाद, या नो लोड और फुल लोड दोनों पर समान रहता है, ये भी नहीं है कि आपका चेंज होगा, ठीक है। एक प्रकार की ये जो है, इस प्रकार का जो हानि है वो मैकेनिकल हानि कहलाता है, ठीक है। मैकेनिकल क्यों, क्योंकि घूमता हुआ, ठीक है। और आप देखोगे जब स्टार्टिंग में ना बताया कॉपर वाला, तो उसको तो वेरिएबल लॉस हम लोग बोल रहे थे, दूसरा क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिकल लॉस भी बोल रहे थे, इलेक्ट्रिकल हानि, ठीक है। अब आते हैं ये जो दूसरा प्रकार का आपको दिखा था, आयरन लॉस, वो क्या है। तो आयरन लॉस क्या है बच्चों, ठीक है, कलर चेंज करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आयरन लॉस क्या है, तो आयरन हानि को कोर हानि भी कहा जाता है, क्योंकि यह हानि मशीन के कोर में उत्पन्न होती है। इन हानियों को आयरन हानि इसलिए कहते हैं क्योंकि मशीन की कोर आयरन की बनी होती है। यह हानियाँ कोर में चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक हानि भी परिवर्तन के कारण होती है। जब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा, मतलब जब फ्लक्स जनरेट करेगा, अब वापस से कॉन्सेप्ट वहीं पे आया है आपका। यहाँ पे दो आपका जो है मैग्नेटिक पोल है, N और S, बीच में हम लोग कंडक्टर रखकर घुमाना है, ठीक है। और घुमाना नहीं है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो जनरेटर में था कि घुमाया जाता था, लेकिन मोटर में क्या होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है, जो कि घूमने मतलब अपने ऊपर दबाव महसूस करता है जब उसको पोल के बीच में रखा जाता है, तो क्या करता है, वो घूमने लगता है, टॉर्क उत्पन्न होता है, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब आयरन हानि क्या होती है, दो प्रकार की होती है। आयरन हानि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आयरन कितना बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि आयरन जो लॉस है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे मेन है इसमें आयरन लॉस कि आयरन लॉस कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है एडी करंट और दूसरा है हिस्टेरेसिस लॉस। तो एडी करंट क्या होता है, तो आर्मेचर के मैग्नेटिक फ्लक्स में घूमने पर आर्मेचर की कोर में बहुत अधिक गर्मी पैदा हो जाती है, जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। करंट पैदा हो सकती है, ठीक है, जिससे कि आपका जो है लॉस होता है, ठीक है, जिससे कि आपका लॉस होगा, और लॉस होने के कारण यह हानि एडी करंट लॉस कहलाती है। इन हानि को कम करने के लिए, ठीक है, मेटल शीटों से तथा लैमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एडी करंट क्या है, मैंने पहले भी जनरेटर में बताया था आपको, जब कोई सोलेनॉइड को, ठीक है, मैग्नेटिक, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं, सोलेनॉइड बोल सकते हैं, उसको जो है मैग्नेटिक पोल के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है,
उसके वो जो है चुंबक एरा चुंबक बिहेव करता है और आसपास का जो क्षेत्र है वो चुंबक के मैग्नेटिक फील्ड में जो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उस सोलेनोइड में करंट बहने लगता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, भंवर धारा या एडी करंट या फोकल्ड करंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका एडी करंट का क्या नाम है, तो एडी करंट का एडी करंट नाम है, दूसरा भंवर धारा, भंवर ठीक है, भंवर धारा ठीक है, या तो भंवर धारा बोल सकते हो, और फिर क्या नाम है इसका, फोकल्ड करंट नाम है, क्या है फोकल्ड ठीक है, फोकल्ड ठीक है, फोकल्ड करंट। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा कि क्या नाम है, तो आपको पता चल गया। अब आते हैं इसमें आपका जो आयरन हानि में, उसमें दूसरा लॉस क्या था, हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस क्या, यह हानि कोर में अल्टरनेटिंग चुंबक के फ्लक्स के बहने से उत्पन्न होती है। यह हानि फ्लक्स डेंसिटी फ्रिक्वेंसी की ओर फ्रिक्वेंसी कि कोर आयतन पर निर्भर करती है। ठीक है, हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। आप देखो ये वाला हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर डबल लाइन कर रही हूँ, ठीक है डबल लाइन कर रही हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और एडी करंट के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, ये पतली पतली शीटों या लेमिनेटेड कोर का। तो अब लेमिनेटेड कैसा, तो आप देखो यहाँ पे जो फिगर है इसको आप देखो, ये फिगर में आपको दिख रहा है एनमेल्ड वायर दिख रहा है ये, ठीक है ये जो आपको कलर दिख रहा है, ठीक है ये जो आपको कलर दिख रहा है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ठीक है कलर से कोई माना, लेकिन ये क्या है, ये ऊपर से एक लेयर चढ़ाया गया, इसको बोलते हैं एनमेल्ड, ठीक है एनमेल्ड वायर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करे, जब इसको आपको यूज़ करना जब होता है, तो इसको आपको जो है थोड़ा रगड़ कर, थोड़ा जो है उसको घोषण पैदा करके उसमें जो है उसको यूज़ करते हैं, ये वाला जो कोट है बेसिकली, ये कोट हटा देते हैं और उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। समझ में आई बात, जो मैंने अभी बताया आपको लॉस के बारे में, ये लॉस आपको डीसी जनरेटर डीसी मोटर दोनों में चलता है, इसलिए इंक्लूड करके हाँ मैंने बता दिया था आपको कि ये बेसिकली क्या है, लॉसेस ऑफ डीसी मशीन, क्या है लॉसेस ऑफ डीसी मशीन। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊँगी, तो अगर याद करना है आपको, ठीक है मन में रखना है ये चीज़ कि आपको भूलना नहीं है, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से कंठस्थ कर लेना होगा। पहला तो क्या, ये सबसे पहला पॉइंट है लॉसेस ऑफ डीसी मशीन, कितना लॉस होगा, पहला लॉस, ये दूसरा, ठीक है इसी में है सारा, ये तीसरा चौथा और पांचवा। आप बोलोगे मैम यहाँ पे ब्रश लॉस दिया है, तो यही मिला के बच्चों कॉपर लॉस हो गया, कोर लॉस है तो कोर लॉस किस में आ गया, स्ट्रे लॉस में आ गया, स्ट्रे में सारा, ठीक है यहाँ पे आपको सारा लॉस जो है दिख रहा है। यहाँ ब्रश लॉस कब होगा, जब आपका मैकेनिकल लॉस होगा घूमेगा तो ये वाला लॉस होगा। और डिटेल में आपको जाना है तो आप ये वाला फिगर एक बार देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला नंबर पे मेरा लॉसेस ऑफ डीसी मोटर, ठीक है डीसी मशीन बोलो, इसका दो लॉस मैंने बताया अभी, पहला तो कॉपर, दूसरा स्ट्रे, ठीक है अब कलर चेंज करके बता रही हूँ। अब जो डीसी मशीन में क्या था, आपका आयरन लॉस था फिर मैकेनिकल लॉस था। अब आयरन लॉस जो है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कोर लॉस और हिस्टेरेसिस, जिसको बोलते हैं आयरन, ठीक है यहाँ पे, ठीक है उसके बाद आप देखो यहाँ पे जब स्ट्रे लॉस का होगा तो घूमने वाला, एक तो घूमने वाला लॉस, ठीक है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉस हो गया आपका, ठीक। तो ये सब इतने टाइप के लोड लॉस होते हैं डीसी मशीन में। तो होप आज का जो क्लास है मेरा वो आपको समझ में आया हो अच्छे से बच्चों, और कोशिश मेरी यही रहती है कि शॉर्ट टाइम में आपको अच्छा से अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो करके और आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा। मेरा बस कहना यही है कि आप जब भी वीडियो को देखें उससे पहले प्लीज़ सारे बच्चों को कि आप बुक को प्लीज़ रीडिंग डालें, रीडिंग लगाने के बाद ही पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो देखें तो आपको कंठस्थ हो जाएगा या क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा क्लास है आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। कोशिश मेरी यही रहती है कि सब बच्चों को समझ में आए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।